शक्ति, नोएडा सृजन फोरम का मैं आभारी हूं कि आज आपने इस रंगारंग कार्यक्रम में मुझे आपने बुलाया। हमारे आलोक भाई मंच पे, पीयूष भाई, जैन साहब, त्यागी जी उधर गए हैं, बाकी सबका हार्दिक आभार। सबसे पहले इस अवसर पे हम लोग यहाँ उपस्थित हैं उसके लिए आप सब लोग को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आगामी दो चार दिन के बाद, हालांकि हम लोग रंग में ऑलरेडी डूब चुके हैं, होली के रंग में, और इस कलर ऑफ फेस्टिवल का बड़े लंबे समय से हम लोग को इंतज़ार होता है, क्योंकि हम सब लोग अपने इन्जॉयमेंट की जो प्रकाष्ठा होती है वहाँ तक जा कर के, उस हद तक जा कर के हम लोग इन्जॉयमेंट करते हैं। और ये अवसर हम लोग को फिर तीन चार दिन के बाद मिलने वाला है, लेकिन अभी से ये शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पे हम सब लोग एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहने की एक जो एक अपनी सोच है उसको दोहराते हैं। आपस का जो पारस्परिक संबंध है, पारस्परिक प्यार है, भाईचारा है, उसको और भी मजबूत करते हैं। और इस रंगों के फेस्टिवल में हर तरह का रंग अपने जीवन में, अपने फेलो ह्यूमन बींग्स के जीवन में डालने का प्रयास करते हैं। मैं आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और चाहूंगा कि पूर्व की भांति शांतिपूर्ण तरीके से ये होली का त्यौहार मनाया जाए और हम सभी लोग पूर्णतः आनंदित रहें। और हमारी जो नोएडा की जनता है, नोएडा के लोग हैं, जो प्यार और स्नेह मुझे मिलता है, जो मैं महसूस करता हूँ, उसको मैं शब्दों में आप बयान नहीं कर सकता। मैं ही सोचता हूँ कि जब मुझे यहाँ जाने का मौका मिलेगा तो मैं कैसे इस शहर को छोड़ के जाऊँगा। इस तरह की फीलिंग यहाँ आती है, इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा समाज, इतना अच्छा व्यवहार, इतने समझदार लोग। जितनी परिस्थितियाँ मुझे यहाँ मिली लॉ इन्फोर्समेंट में होने के नाते, सारी समस्याओं का समाधान आप लोगों के सहयोग से मिला। और वो इसलिए मिला कि आप सब लोग सहृदय हैं, आप लोग सहिष्णु हैं, आप लोग बहुत ही वेल बिहेव्ड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और लॉ अबाइडिंग हैं। और मैं हमेशा यही चाहूँगा, जो एक इस शहर की जो एक अपनी शान है, शहर का जो अपना कैरेक्टर है, उसको हमेशा बरकरार रखें, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। नोएडा की पहचान हमारे केवल देश में नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहर है। और इसी का नतीजा है कि आपने देखा होगा कि आज इंडस्ट्रीज में इस विश्व के कोने कोने से लोग आकर इन्वेस्ट करते हैं। और इसके पीछे आप सब लोगों का अपना एक इस शहर को बनाने में योगदान रहा है, वो इसका कारण है। और मैं चाहता हूँ नोएडा दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता रहे और आप सब लोग प्रगति करें, सभी लोग स्वस्थ रहें। होली की पुनः शुभकामनाएं और सभी लोग अपने अपने अच्छा ममता जी का बहुत तो जैसे ना लोग भैया बताओ बताओ तरन कि यहाँ ज्यादातर लोग अब नहीं पूर्वांचल के लोग बा, भोजपुरी भाषी बा, तो हमरो जो भोजपुरी के कीड़ा बा जाग गए और रुक नहीं सके। हमने हमारा साथ दिक्कत ये बा कि काफी दिन से हम बाहर रहने, पढ़ाई लिखाई के समय बाहर चल गए, हम जब गांव जाइले तो जेला के बाद वहाँ हमारा भोजपुरी बोलने में तनी दिक्कत होला, तो यही से हम बीच बीच में जब मौका मिलेगा तो सोचे नहीं कि तुमने भोजपुरी बोल ली, ताकि प्रैक्टिस बनल रही, ना गाँव में लोग ना माने। अगर वह हिंदी बोली गाँव में जाके तो वह लोग समझे कि अच्छा अंग्रेज हो गए बड़ा, तो ये बात के लोग ना कहेला हम हमेशा भोजपुरी बोलते रहे। भोजपुरी के तो हमनी के का कही, हमनी के जो अस्तित्व बा भोजपुरी से बा, भोजपुरी के संस्कार, भोजपुरी की संस्कृति रग रग में घुसल बा।
अंगूठा से लेके मोड़ी तक हमें कोनो सोचे के जगह ही नहीं, हमेशा लगेला कि ना मतलब बैठल बानी हुआ लेकिन सुबह से शाम तक लगेला कि कितना अच्छा फगुआ होला हमारे गांव में, और फगुआ के कोनो जवाब नहीं के। गांव में जब लोग होरी गावेला घर घर जाके तो वो सब जो हम लोग सब के एकदम मतलब अपना आत्मा के बात बताओ तनी कि रात में सम्मत जले जरा कि होलिका दहन बोल जाए के सम्मत गांव में गांव के सिवान पे जले ला, तो सिवान पे जाई जलावे ओकरा बार लेके लुकार भाजी में तो लुकार भाजी की सब चीज याद आवेला बचपन के सब सब चीज तो बड़ा आनंद और बड़ा एक एक तरह से कह जाला ना कि याद आवेला बहुत। और वो सब समय सुबह सुबह कीचड़ से होली खेले के शुरुआत होत रहे मोरी में पटक पटक के। हाँ होला कि दो चार दिन महक जाएल ना शरीर से, चाहे जितना सेंटर हुआ छिड़क ली लेकिन बाद उजाला ना। तो ये अब हमने के संस्कृति है और हमने अपन हर पटल पे विश्व के हर पटल पे अपन एगो नाम के ले बनी बहुत बदमाश रहे तरह तरह के तमाशा होत रहेला। और हमनी के अपन जो संस्कार बा वही संस्कार के नतीजा बा कि आज हम सब यहाँ आज नोएडा ऐसे जगह में आके अपन अपने के एगो जगह बनेले बनी। लेकिन नोएडा के लोग भी उतना ही सुंदर बा जितना यहाँ गांव के लोग बा। रुआ गांव में चल जाए अतनी रुआ अपन आत्मीयता लोगों के साथ जोड़ी, आत्मा के साथ लोग साथ जोड़ी तरुआ के बड़ा स्नेह प्यार में मिलेगा। क्या बात है, नोएडा के ड्यूटी बा, नोएडा के लोग इतना बढ़िया बा कि रुआ के अकोमोडेट करेला। एक के सोचे के जरूरत बा कहीं कोई भेदभाव ना हो के चाहिए। आखिर में हमने इंसान बनी, चाहे हमार हमार घर सुदूर कहीं हो, हमार पैदाइश कहीं होइल होई, लेकिन जब हम यहाँ आईनी तो अला के बाद यहाँ के समाज हम ये समाज हमारे समाज है। हम तो हमेशा एक बात के मानी ले कि हमने के जीवन में जो गवर्नमेंट सर्वेंट में बन गई, जो गवर्नमेंट सेवा में चल गई, ओकरा जीवन के 60 साल की उम्र तक जहाँ पदस्थापित रहेला वही ओकर समाज है, वही ओकर गांव है। और वही लगा हमने समझ में तो अपन जो ने कुछ छाप हर जगह छोड़ी, लोगों के साथ प्रेम भाव से रही और कोनो एगो छोट बात पर, छोट बात मतलब बैल के कोनो, तो उस समय में ये बात रुवानी के कहे कि ना ना फला के फला जगह के बड़ा नहीं, फला जगह के बड़ा ओकरा के समझावे के ओकरा के सॉल्व करे के प्रयास करके चाहिए। आखिर में हमने के जो संस्कृति संस्कार बा ओकरा के हम लोग के महसूस करावे के चाहिए। ऐसे हम चाहते नहीं कि अब हम तनी हिंदी में बोल लें चूँकि बाकी लोग जो हो अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। अभी मैडम वो क्या बोलते हैं अंजना मैडम अनकम्फर्टेबल फील कर रही हैं बिकॉज सी बिलोंग्स टू उत्तराखंड। बट एनीवेज मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे पूर्वांचल के लोग भी आए और हमारे जैन साहब इस डॉक्टर साहब ये नोएडा सिटीजन फोरम के बारे में भी कुछ दिन पहले ही ये लोग तो हमेशा हमको पता नहीं कितना इनकरेज करते रहते हैं। और मैं बताऊं कि आज सुबह से थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज थी, मैंने एक मेडिसिन लिया सो गए, अभी नींद खुली हमने कहा हमें तो वहाँ कार्यक्रम में जाना है। मैंने त्यागी जी को फ़ोन किया कि कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं, बोले कि नहीं नहीं चल रहा है आपके बिना कैसे होगा, तो मैं भागते हुए आ गया। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा जैन साहब और आप सब लोग, हम सब लोग अपने जीवन में हम लोग के जीवन में खुशियों का अंबार है, हम सब लोग खुश रहें। देखिए खुश होने के लिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, ये मौका है थोड़ा सा मैं भी अपने मन का उद्गार आपसे शेयर कर लूं। इंसान को सुख होने के लिए, सुख खुशी होने के लिए, खुश होने के लिए किसी स्पेशल ओकेजन की जरूरत नहीं है। तमाम आजकल लोग प्रवचन सुनते हैं, तमाम जगहों पर जाकर के अपना ज्ञान लेते हैं, इन सबसे अलग मैं तो कहता हूँ बहुत प्लेनली सोचिए तो छोटी छोटी बातों में आपकी खुशियाँ हैं। और जब भी कोई इशू बहुत ज़्यादा आपको ग्रिल करता हो, बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी दे रहा हो, तो जरा एक मिनट के लिए आप सोच लीजिए कि ठीक है ये तो एंग्जाइटी आ ही गया ना, अब तो हम इसको दूर कर नहीं सकते, आप अगले क्षण हंसना शुरू कर सकते हैं। आप हंसने का प्रयास करिए, आप खुश होने का प्रयास करिए। कोई भी समस्या आती है उसको जाना है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सब के जीवन में समस्याएँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ तक कि
जो ओकेजन्स बनाए गए हैं, जिस ओकेजन पे हम लोग खुश होने का प्रयास करते हैं, उस दिन भी कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेज आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर दिन चाहें तो हर दिन खुशी है, और ना चाहें तो शायद होली के दिन भी खुशी नहीं है। इसलिए मैं बताऊँ कि आप सब लोग खुश रहने का प्रयास करिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ काया भी बहुत जरूरी है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आप हेल्दी नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते, चाहे कहीं भी हो आप। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, परिवार को आगे बढ़ाइए, समाज को आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।